नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। भारत के 11 राज्यों में सफलता का परचम लहराने के बाद इच्छापूर्ति.com अब मध्य प्रदेश के वासियों के लिए अनोखा शॉपिंग अनुभव होगा, जिसमें ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग दोनों का आनंद उठा सकेंगे। इच्छापूर्ति ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म.com के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिन्हा और MD योगराज शर्मा द्वारा मेघदूत गार्डन में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, वास्तव में इच्छापूर्ति.com एक प्रकार का शॉपिंग अनुभव है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिश्रण है। ग्राहक स्टोर पर आकर या इच्छापूर्ति.com से अपनी जरूरतों के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इच्छापूर्ति बिजनेसमैन पार्टनर द्वारा संचालित स्टोर से यह सभी सामान होम डिलीवरी करवाए जाते हैं और शिकायत के मामले में नजदीकी स्टोर द्वारा उसका समाधान भी करवाया जाता है। ये कंपनी जो है अपने विलेज लेवल पे जो अपने साहूकार लोग हैं, जो किराना स्टोर हैं, उनको एम्पावर करने के लिए ये इच्छापूर्ति का प्रोग्राम लेके आई है और उसमें कई सुविधाओं के साथ आई है, जो कस्टमर के लिए भी और दुकानदार के लिए भी, क्योंकि आने वाले ऑनलाइन का जो समय आ रहा है उसमें छोटे किराना स्टोर दुकानदार ये बेचारे ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको एम्पावर कर दिया जाए कि उनके यहाँ से ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग दोनों हो सके, इसके लिए हम लोग आगे आए हैं काम करने के लिए। क्या क्या सेवाएं रहेगी, किस प्रकार के सामान रहेंगे उस स्टोर में? सामान जो भी ऑफलाइन जो दुकान में मिलता है वो तो सब रहेगा ही, और ऑनलाइन सुविधा में जितने भी सामान, लाखों सामान जो ऑनलाइन मिलते हैं, आपने देखा होगा ऑनलाइन पोर्टल पे कपड़ा जूता हर तरीके का सामान जो है वो सारा कुछ उसके ऊपर उपलब्ध होगा। नाम हमने इच्छापूर्ति.com रखा कि सबकी इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति सिर्फ कस्टमर्स की नहीं हो लेकिन उन किराना स्टोर्स की भी हो, उन सुपर फ्रेंचाइजीज की भी हो और बाकी जितने कस्टमर्स हैं उन सब की हो, जो चाहें। आज सबको देखते होंगे कि कुछ कंपनियां आ गई हैं अपना जो ऑनलाइन शॉपिंग जहां से आप लोग कर पाते हैं, तो उन कंपनियों में दिक्कत क्या है कि वो लोग 35% पिन कोड्स में ही काम करते हैं। अगर इस देश में मान लीजिए 100 पिन कोड्स हैं तो वो मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ 35% से 37% पिन कोड्स में काम करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी अपने गांव की तरफ नहीं जाती, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि मेजॉरिटी इस देश के लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और रिमोट एरियाज में हैं, तो उनको सुविधाएं कहां से मिले। आज अगर कभी लॉकडाउन होता है या कर्फ्यू होता है या कोई भी परेशानी ऐसी होती है तो उनको सुविधा कैसे मिले। ये लोग तो कोई जाता नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी अंदर तक नहीं जाती क्योंकि वो कभी अपना असेट नहीं बनाते। तो ये प्रोग्राम ऐसा बनाया गया, और कुछ देश की कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में आ रही हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या थी, आज भी अगर हम लोग उनके बिजनेस मॉडल को देखते हैं तो ये पता चलता है कि वो लोकल किराना स्टोर को या लोकल शॉप्स को